हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 4 की रीडिंग करनी है, जिसका नाम है दिलवाड़ा के मंदिर। तो दिलवाड़ा में जो मंदिर है उसके विषय में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए इसकी रीडिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बताया गया है देखते हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में हमने माउंट आबू घूमने का कार्यक्रम बनाया। पिताजी ने जाकर आश्रम एक्सप्रेस में 4 सीट सुरक्षित करा ली। निश्चित तिथि पर हम भाई बहन, पिताजी और माताजी के साथ रेलगाड़ी में अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। पिताजी ने क्या किया, सुरक्षित आश्रम एक्सप्रेस में क्या करा, टिकट बुक करा ली और हम लोग क्या हुआ, सीट पर जाकर अपनी बैठ गए। फिर देखिए क्या बताया गया है, यात्रा का वर्णन है इस चैप्टर में। सुबह होने पर हमारी रेलगाड़ी आबू रोड स्टेशन पहुंची। हम लोग रेलगाड़ी से उतरकर रेलवे स्टेशन से बाहर आए। वहाँ माउंट आबू जाने के लिए हमें बसें और टैक्सियाँ खड़ी थी। पिताजी ने टैक्सी में सामान रखवाया। इसके बाद हम सब माउंट आबू के लिए रवाना हुए। माउंट आबू अरावली पहाड़ी पर समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रास्ते में चारों ओर हरियालियाँ छाई हुई हैं। हरी भरी पहाड़ियाँ देखकर मन प्रसन्न हो गया। शीतल हवा ने यात्रा की सारी थकान दूर कर दी। मतलब हम रास्ते में इतना थक गए थे, लेकिन ठंडी ठंडी जब हवा लगी तो हमारी क्या हुई, सारी थकान दूर हो गई। फिर देखिए क्या कहते हैं। माउंट आबू पहुंचकर हम टैक्सी से उतरकर एक होटल में चले गए। वहां से तैयार होकर हम सब घूमने निकले। हमने क्या किया, एक होटल बुक किया और वहां जाके हम लोग रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर क्या किया हम लोगों ने, वहां से हम रेडी होकर घूमने के लिए निकल आए। फिर देखिए क्या हुआ। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला यहाँ के दर्शनीय स्थलों में दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर 12 बजे खुलते हैं, अतः हमने पहले नक्की ताल देखने का विचार किया। हम लोग ताल देखने चले गए। ताल क्या, वह तो एक अच्छी खासी झील है। ताल मतलब तालाब के विषय में बात हो रही है, पर उन्होंने कहा वो ताल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी खासी झील है। झील के किनारे बड़े बड़े सुंदर पेड़ थे। ताल में जाने के लिए एक तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। कुछ लोग ताल की सीढ़ियों पर बैठकर नहा रहे थे। हमने ताल के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठकर क्या किया, भोजन किया। कुछ लोग वहां नहा भी रहे थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वहां बैठकर पेड़ के किनारे खाना खाया। फिर देखिए, भोजन के बाद हम लोग दिलवाड़ा के मंदिर देखने चले गए। यहाँ पर अनेक जैन मंदिर हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा है आदिनाथ जी का। कौन कौन से दो प्रमुख हैं वहाँ पर, एक तो है नेमिनाथ और दूसरा है आदिनाथ। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सा मंदिर लगता है, लेकिन अंदर शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अंदर बहुत सुंदर काम है। बाहर से आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल सा चबूतरा दिखेगा, उस पर मंदिर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत सुंदर शिल्पकारी का काम देखने को आपको मिलेगा। एक एक वस्तु की शिल्पकारी देखने योग्य है। अंदर भगवान नेमिनाथ जी की सोने की मूर्ति विराजमान है। किस धातु की बनी हुई है, वो सोने की धातु की बनी हुई है। नेमिनाथ जी के मंदिर के समीप आदिनाथ जी का मंदिर है, जिसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने सन 1230 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। मंदिरों की दीवारों, छतों और खंभों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। देवी देवताओं के अतिरिक्त पशु पक्षी की भी मूर्तियां वहां पर हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी बोल उठेंगी। इतना सुंदर बना हुआ है कि ऐसा लगता है वहां की मूर्तियों को देखकर कि ये जीवित हैं, अभी बोलने लगेंगी। मंदिर से बाहर निकलकर हम सब एक बरामदे में पहुंचे। यहाँ दीवारों में अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, जिनमें जैन तीर्थकरों की सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। कोई भी दो मूर्ति एक जैसी नहीं है, मतलब हर मूर्ति अलग अलग है। सबका चेहरा व बनावट भिन्न भिन्न है। सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात यह है कि आज से 800 वर्ष पूर्व ना तो पक्की सड़कें थी, ना मोटर, ना रेल और ना ही इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीनें। ना जाने किस तरह इतना
किस तरह इतना संगमरमर देश के अन्य भागों से इतनी ऊंचाई तक लाया गया होगा। मतलब ये कहने की बात है कि ये कब से कब की बात है, 800 साल पुरानी बात है। ठीक है, तब क्या था, ना तो रेल चलती थी ना ही कोई और ऐसी सुविधा थी, तो वो आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े बड़े संगमरमर के पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया गया होगा। यह इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि मनुष्य की लगन और कठोर परिश्रम से सब संभव हो सकता है। व्यक्ति के रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उन्हें कठोर परिश्रम से दूर किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम ठान लें अपने मन में तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि देखते हैं, मनुष्य कठोर परिश्रम एवं लगन से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है और जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निर्भीकता से सामना कर अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मनुष्य चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के विषय में। इसमें बताया गया है कितना सुंदर है, किस तरीके से बना है, ये आपने इस वीडियो में सीखा। क्लियर है।